मॉर्निंग को वाला फ्लो। तो आज है मंडे और आज 4 जुलाई है और अभी बस मैं उठी हूँ और मुझे लेना है क्लास। सबसे पहले तो मैं क्लास ले लूँ, उसके बाद फिर मैं। तो क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है और क्लास मेरी डेली होती है 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। 1 घंटे की क्लास देती हूँ मैं एक्चुअली। तो क्लास मैंने दे दिया है और अब आ गई हूँ किचन में और किचन में सबसे पहले डाल देती हूँ दूध बॉयल्ड होने के लिए और दूध बॉयल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है मुझे। तो आज मैं लंच में बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने यहाँ पे आलू, बीन्स, टमाटर और प्याज काट लिए हैं और बस इसको छौंक दूंगी। तो देखते रहिए कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। तो सारी सब्ज़ी डालने के बाद नमक डाल के इसको मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद इसको मतलब 10 मिनट तक ढक के छोड़ देना है ताकि इसमें पानी, नमक पानी छोड़ देता है और जो हमारे सब्जियां हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए इसमें। उसके बाद इसमें मसाले डाल देना है। मसाले डालने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि जो सारा मसाला है वो सारे अच्छे तरीके से सब्जियों में मिल जाए। तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सूखी सब्ज़ी में ये डर रहता है कि जो मसाला है बिल्कुल सूखा सूखा नहीं लगे और कभी कभी मसाला ऐसा भी होता है कि अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जब तक सब्जी बन रही है तब तक फिर यहाँ पे मैं फटाफट जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और ये तो है मेरे हस्बैंड का लंच की प्रिपरेशन चल रही है। अब मुझे आराध्या का भी करना है और उसको मैं आज लंच में दूंगी पराठा एंड भुजिया क्योंकि वो पराठा एंड भुजिया ना अच्छे चाव से खा लेती है। तो वही उसकी प्रिपरेशन बाद में करूँगी, पहले इधर रोटी बना लूँ। और वहाँ पर मैंने चाय भी डाल दिया है और सब्जी मेरी पक रही है और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ भुजिया और इसके भुजिया में कुछ भी नहीं डालती, ओनली तेल, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको जल्दी से ढक के और इसका भी लंच जल्दी से प्रिपेयर कर देते हैं। ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया और मैं इतनी गर्मी हुई, इतनी पसीने हो गई हूँ। बहुत सारे बर्ड्स आते, पता नहीं कौन सा बर्ड अभी ये बोल रहा था, कौन सी बोल रही थी, कौन सी आवाज़ आ रही थी इसकी। तो सारा जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने स्टार्ट कर देना। तो मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है और अब बताइए चाय पीने के लिए, तो अब यहाँ पे चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर लंच पैक करना पड़ेगा, सबसे पहले चाय पी लेते हैं। वो अंकल हैं, देखो लग रहा है मुझे कि 60+ होंगे और फिर भी उनको देखो कितने अच्छे एक्सरसाइजेस योगास कर रहे हैं। गई तो थी मैं बाहर चाय पीने के लिए, यार इतनी गर्मी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ और यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ, आराम से ज़मीन पे बैठ के चाय पी रही हूँ। मैं बहुत रेयर होता है जो यहाँ पे बैठती हूँ, मुझे सुकून ज़मीन पे बैठने से ही मिलता है। और यहाँ पे आराध्या सो रही है अभी, जस्ट अभी एक कम वक्त मच्छर ने मेरे बच्चे को काट लिया। देखो कैसे हो गया चिक। एक्चुअली हम यहीं पे हॉल में ही सोते हैं तो ये सो रही है अभी और ये उठ जाएगी, उसके बाद फिर इसका भी लंच पैक कर देंगे और उसको तैयार कर दूँगी। लेकिन अभी नहीं उठाऊँगी, जब मेरा पूरा प्रॉपर इसका लंच वंच बन जाएगा तभी उठाऊँगी क्योंकि
प्ले में है अभी, तो 10 बजे जाती है और 9 बजे ही उठेगी देखना ये। तब तक मेरा काम भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो ख़त्म हो ही जाएगा, तो सबसे पहले चाय फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं काम पे। तो एक ये ब्लाउज मैंने स्टिच किया है, आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा सिला है। तो ऐसा डिजाइन दिया है मैंने पीछे लटकन में, ये न्यू डिज़ाइन। और बेसिकली ये मटका गला है, जिसको मटका गला कहते हैं, तो ये गला बनाया मैंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लग रहा है ये ब्लाउज़। आगे सिंपल बिल्कुल गोल गला है। शुगु, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, स्कूल ही जाना, स्कूल ही जाना, उठ जाओ 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 उठ जाओ। देखो मम्मा ने आपका लंच बॉक्स धो दिया, देखो तो, उठ जाओ उठ जाओ, स्कूल ही जाएगा, उठो बेटू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। अब हम जा रहे हैं स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया। मैं जल्दी से जस्ट अभी नहा के आई हूँ, और नहा के मैंने सिर्फ ये वाला सूट डाल लिया है, और काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस ब्रेकफास्ट का काम हो गया, लंच का काम हो गया, और नहा लिया है मैंने, पूजा हो गई है मेरी, और बस इसको स्कूल से छोड़ के आऊँगी, उसके बाद जो बाकी का काम है वो करती हूँ। तो चलो चलते हैं आज आराध्या के स्कूल, आराध्या के स्कूल। देखो देखो जल्दी आओ, तो आराध्या को स्कूल छोड़ के आ गई, ज़्यादा टाइम तो बहुत खुश थी, बहुत रोती है। जो आप सूट देख रहे हो मैंने खुद स्टिच किया है, आप लोग ज़रूर बताना कैसा कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे स्टिच करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सूट मैंने खुद स्टिच किया, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये जो सूट है कॉटन का कपड़ा है, बिल्कुल प्रिंटेड में है, और 2 मीटर कपड़े में मैंने 2 सूट निकाले हैं। आप सोच सकते हो कि कपड़े का ना जो अर्ज था वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं देखे, मतलब जितना मेरा है 1-2 इंच एक्स्ट्रा दिया होगा, 1.5 इंच, और उसके बाद फिर मैंने ये सूट सिला। इसके 2 सूट हैं, एक तैयार हो चुका है, एक पहनती हूँ मैं भी डेली, और एक और सूट है। तो अगर मैं डेली एक आध दिन रोज़ अगर आपको लगता है सेम सूट पहन रही हूँ, तो आप लोग ये मत बोलना है कि सूट पहनती हो। और एक देखो इसको भी मैंने कट स्लीव भी बनाया है, और एक अभी है जो रेडी नहीं हुआ है, बस रेडी होने वाला है, इसमें मैंने बोट नेक और ये वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखो। और कपड़ा कम था इस वजह से मैंने ये अलग से कपड़ा लगाया है इसके ऊपर, और ताकि गला सेट, इसमें भी मैंने अलग से ही लगाया हुआ है। तो गर्मी के लिए भी जो यहाँ का दिल्ली का जो वेदर है ना, बहुत गंदा वेदर है, कहने को तो बारिश हो रही है कंटिन्यू, बट इतना गुमसा कर रखा है ना कि बहुत दिक्कत हो रही है। तो गर्मी के वेदर के लिए ये सूट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और ये जो मैंने सलवार पहना है, फिर पहले मैंने सिला हुआ था और पटियाला सलवार बनाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो मेरा तो मैं ढंग से बन नहीं पाया, तो फिर भी ठीक है, अच्छा एक घेर अच्छा क्रिएट कर रहा है। और इसके नीचे मैं पहले तो पैंट पहना था मैंने, और आज मैंने सलवार डाली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सलवार में ना थोड़ा अच्छा लगता है खुला खुला, तो ग्रीन और ब्लू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसके बाद भी मैंने डाल लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। एक्चुअली मुझे सही लग रहा है, कम्फर्ट है, कपड़े अपने हिसाब से पहनो जो आपको कम्फर्ट लगे, और मुझे सही लग रहा है, कम्फर्ट है बिल्कुल। तो अभी मैं आ गई हूँ, और अब मैं कर रही हूँ इसको चेंज, क्योंकि काम इतना सारा पड़ा हुआ है मेरा, और अगर मैं ये पहन के काम करूँगी तो फिर मेरा ऐसे हो जाएगा गर्मी के मारे। तो मैं अब डाल लेती हूँ टी शर्ट लोअर, और उसके बाद काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद फिर 1 बजे से पहले शुक्रू को भी लाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। नहाना हो गया है मेरा, जैसा कि मैंने बताया पूजा भी हो गया है, कुछ जूस वगैरह ले लेते हुए, भी बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा,
और यार एक्चुअली आजकल मेरा वेट भी बहुत गेन हो रहा है, आप लोग बताइए कुछ। जो वेट गेन हो रहा है ना वो सिर्फ टमी एरिया में हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं मुझे। ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या नहीं खाऊँ जिससे मेरा जो सारा फैट है वो पेट में ना लगे, क्योंकि जो भी मैं खाती हूँ मुझे लगता है बॉडी में कहीं पर नहीं लग रहा, सिर्फ पेट में ही लग रहा है वो। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि काम है ज़्यादा, मॉर्निंग का टाइम है और अभी हो रहा है 10:20 हो गए मुझे, 15-20 मिनट मुझे लगते हैं वहाँ से इसको स्कूल छोड़ के आने में। तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए। यहाँ आप इसको देखो, स्कूल से आके खाना खा के बस सोए ही है, उठते फिर इसको स्टार्ट हो गया, मम्मा होमवर्क कराओ। बेटू क्या कर रहे हो, क्या होमवर्क मिला है आपको? स्लीपिंग लाइन मिला है, होमवर्क मिला है, जल्दी फिनिश करो। कुछ कौन सा होमवर्क मिला है?